तो आज होगा पेट का अनबॉक्सिंग। बकरा का पेट को आज खाना है तो सोचा थोड़ा दिखा दूं आप लोगों को भी। अभी थोड़ा इसका छिलछाल हो रहा है पूरा, मतलब इसका जो है बकरा बकरी उतार रहा है, उसके बाद बनाते हैं टेस्टी करके। तो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, बने रहेगा वीडियो में एंड तक, क्योंकि इसको छिलना पहले बहुत जरूरी होता है। काफी लोग तो खाते ही होगा ये सब। और देखिए अभी फिलहाल छील के थोड़ा क्लियर कर दिया, अभी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ इसको छीलना है। तो ये हो गया है, ये इसका तो निकाल दिया, इसका निकालते वक्त थोड़ा टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। फिलहाल अभी इसको छीलते हुए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद फिर बनाए वाला बनाने के लिए तो मेरा बुढ़ी ने बनाएगा और मैं तो नहीं। तो ये कटिंग हो रहा है बूढ़ा बुढ़ी ने मिलके, यहाँ भी कटिंग, यहाँ भी क्या रेडी कर रहे हैं, मसाला रेडी कर रही, मसाला रेडी कर रहे हैं, टेस्टी से बनाएगा भी हमने। तो ये रहा कटिंग, इस तरीके से काटना है, ये सीटी मारना पड़ेगा इसको, नहीं तो अच्छे से पकेगा नहीं। देखिए कितना साफ से धुल गया है, अभी मज़ा से बना के गम की गम खाना है अभी। तो ये बैठ चुका है कुकर में सीटी मारने के लिए, अभी आग रेडी। तो यहाँ पे मसाला रेडी, प्याज रेडी, टमाटर रेडी, हल्दी और नमक रेडी, मतलब बाकी सामान तो इसमें जा चुका है। और इधर में अभी कढ़ाई भी रेडी होने वाला, रेडी हो चुका है, और ये अभी सीटी मारने के लिए बचा हुआ है। एक सीटी मार के तो दिखाएगा आप लोगों को मैं। तो ये प्याज जा चुका है अंदर, हल्का लाल होने देना है प्याज को भी, जैसे कि मतलब प्याज लाल हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही नहीं है प्याज लाल होना पड़ता है। जस्ट किडिंग, ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे बोलने में मजा भी आता है। तो हो रहा है आस्ते आस्ते, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं फिर क्या क्या डालना है और क्या क्या करके बनाना है। तो प्याज हो गया है रेडी, अभी ट्रन है मसाला जाने का, कोई मेरे डार्लिंग ने मसाला भी नहीं डाल रहा है। सीटी मार लग रेडी, सीटी मार दिया रेडी, और यहाँ में मसाला डाल दिया है और ये जा रहा है कढ़ाई में, हिल रहा है कितना अच्छा तरीके से। तो ये पक गया लगभग, उमल रहा है, और ये तो सीटी मारी दिया है फिर से, और कितना सीटी मारेगा, कितना सीटी मारना है वो है वो। तो ये हो गया, अभी इसको भी दिखाते हैं। तो ये सीटी मार के पक गया है लगभग, थोड़ा ज्यादा वो हो गया, कैमरा धुंधला कर दिया, एक मिनट। DSLR गंदा कर दिया मेरा। तो ये रहा रेडी, अब जाने को है कढ़ाई का अंदर। यो वाली बात के साथ छाइना बाचे को, अब जान सा कढ़ाई। तो ये रेडी हो रहा है आस्ते आस्ते, उसके बाद पकेंगे फिर खाएंगे। तो लगभग ये पक गया है, काफी सुंदर से दिखाई दे रहा है, पेट में भी सुंदर से जाएगा। तो फिर से सीटी मार दिया इसने, कितना सीटी मारेगा बे। तो ये देखिए, तो ये देखिए बस पकने वाला है, अभी से मुंह में पानी आ गया मेरा। तो ये पक गया है लाजवाब तरीके से, देखिए। तो अभी चेक करते हैं नमक वगैरह स्वाद अनुसार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी गरम गरम है तो चख लेते हैं एक बार, गरम गरम है। पक गया, पक गया, पीरो पीरो, थोड़ा झाल झाल भी हो गया और थोड़ा टेस्टी भी हो गया। बनाया आज बढ़िया तरीके से, अभी एक खाया, अभी बाद में फिर थोड़ा बाद में थाली में खा के चेक करते हैं। तो अभी पेट में जाएगा रोटी पेट के साथ में, तो रोटी के साथ मजा आएगा एक्चुअली खाने के लिए। वैसे रात को रोटी खाता हूँ मैं भी, तो तावा गरम, रोटी गरम, रोटी गरम मतलब रोटी पकने वाला है, अब थोड़ी देर में रोटी वोटी बनने के बाद खाते हैं। तो ये हो गया है रेडी, देखते हैं वो एवडा मुसाले खाने को। ये है, ये है और ये है और
टेस्टी, पीरो पीरो तो अभी खाते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।